नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का मेरे एक नए वीडियो पे यार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाला बीए हिंदी साहित्य का जो सेकंड पार्ट होता है, हिंदी कथा साहित्य। सेकंड पार्ट होता है हिंदी कथा साहित्य। हिंदी साहित्य का जो फर्स्ट पार्ट है, जो कि फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों होता है, तो जो फर्स्ट पार्ट है हिंदी प्राचीन काव्य, उसका वीडियो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, उसका लिंक आप उससे जाके वॉच कर लीजिए। तो मैं सेकंड पार्ट का वीडियो लेके आऊँ हिंदी कथा साहित्य। तो सेकंड पार्ट में क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे जो 2022 में एनुअल एग्जामिनेशन हुआ उस टाइम, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन, सारा कुछ जानकारी, सारा कुछ पेपर का जो रिव्यू है मैं यहाँ पे पीडीएफ के थ्रू कराने वाला। दोस्तों वीडियो को छोड़ के कहीं भी नहीं जाएगा, वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को मिस कर देते हो तो शायद आप पेपर में अपने अच्छे नंबर्स भी मिस कर सकते हो, यानी कि चूक सकते हो उन प्रश्नों से जो 2022 में पूछे गए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो कि 5-5, 6-6 नंबर का एक एक प्रश्न होता है। तो जो 2022 में पूछे गए दोस्तों, 2023 में 50% आने के चांसेस बने रहते हैं। हर साल कुछ ना कुछ प्रश्न जो कि बड़े प्रश्न होते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हर साल आते रहते हैं। तो हर साल आने, देखो हम तो भाई पहली बार आए ना बीए फर्स्ट ईयर में, तो हमको क्या पता कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, किसी टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। लेकिन मैं जो पीडीएफ का रिव्यू आपको अभी कराने वाला हूं, तो उसमें ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि बड़े बड़े नंबर से, मतलब कि आपका अच्छे से अच्छा नंबर आपको लाने में, आपका परसेंटेज बनाने में आपकी काफी हेल्प करेगा। तो चलिए दोस्तों बिना कुछ देरी के यहाँ पे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरे बारे में भी आप जान लीजिए, मैं हूँ बीए फर्स्ट ईयर का एक छात्र, मेरा नाम है तोशन कुमार साहू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरआर ऑनलाइन। दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं अपने आगे मोबाइल की स्क्रीन पे आप सब देख सकते हैं, ऑनलाइन एनुअल एग्जामिनेशन 2022 लिखा हुआ है, कोड नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, बीए फर्स्ट लिखा हुआ है, हिंदी लेक्चरर के यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है, सेकंड पेपर है हिंदी कथा साहित्य, सेकंड पेपर हिंदी कथा साहित्य। उसके बाद में हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ कुछ प्रश्न आपको नोट अनिवार्य वगैरह देते हैं, वो सब आपको पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ पे खंड अ पे हम आते हैं, खंड अ यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो जाता है, निम्नांकित अति लघुतरी प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर देना है, एक प्रश्न एक नंबर का, यानी कि एक नंबर का 10 प्रश्न पूछा गया, 10 नंबर का यहाँ पे पूछा गया। पहला प्रश्न कहता है जालपा ने रमानाथ का पता लगाने लगाने क्या किया, मतलब पता लगाने के लिए क्या किया गया, यहाँ पे पूछा गया। दूसरा प्रश्न यहाँ पे आ जाता है प्रेमचंद जी के गबन उपन्यास को छोड़कर दो अन्य उपन्यासों के नाम लिखिए, गबन उपन्यास तो उनका एक उपन्यास हो गया, लेकिन यहाँ पे उनका दो और उपन्यास पूछा गया है। अगर आपको नाम पता होगा पेपर में तो आप बना सकते हैं, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ आपको याद कर लेना है। जो तीसरा प्रश्न पूछा गया चंपक किस कहानी का पात्र है, यहाँ पे जिस कहानी में चंपा का जिक्र किया गया है उस कहानी को आपको लिखना है। यह हमारा फर्स्ट पेज कंप्लीट हो गया बिना कुछ देरी के, हम यहाँ पे सेकंड पेज पे आपको लेके आता हूँ। सेकंड पेज पे यहाँ पे चौथा नंबर का प्रश्न हमारे से स्टार्ट हो जाता है। चौथा नंबर का प्रश्न कह रहा है पर्दा कहानी के लेखक का नाम बताइए। पांचवा कह रहा है सिरचन को क्या क्या बनाना आता था, शीतल पट्टी वगैरह पढ़ा होंगे ना, तो उनको यहाँ पे लिखना है। छठवा है वाहिद किस कहानी का पात्र है, वाहिद इसको भी पात्र यहाँ पे ज्यादा पूछा जाता है सेकंड में, तो पात्र आपको याद रखना कि हमेशा कौन से कहानी का नायक कौन है, कौन पात्र है, क्या है, सबको आपको याद रखना है। शिवाजी के दो उपन्यासों के नाम लिखिए। आठवां है चीप की दावत कहानी में बास ने रामानाथ की माँ को क्या बनाने का आग्रह किया, क्या बनाने का आग्रह किया। यहाँ पे नौवां आ जाता है उपेंद्र अश्क के दो कहानी संकलन का नाम लिखिए। दसवां आ जाता है विभाजन की त्रादशी का वर्णन किस कहानी में किया गया है। ये हमारा कंप्लीट हो गया, एक एक नंबर का 10 प्रश्न पूछे गए हैं, टोटल कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हम खंड ब पे आते हैं, खंड ब पे आपको 150 से 200 शब्दों के बीच आपको उत्तर देना है। तो पहला कह रहा है क्या कह रहा है, गबन उपन्यास के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। गबन से हमेशा बहुत ज्यादा प्रश्न आता है, इनको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है, अथवा कोई पूछा गया अगर आपको पता नहीं तो आप बना सकते थे एनुअल एग्जामिनेशन जब हुआ था 2022 में। गबन उपन्यास की संवाद योजना को स्पष्ट कीजिए, गबन उपन्यास की संवाद योजना को स्पष्ट करना है। दूसरा प्रश्न पूछा गया था कफन कहानी की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए, कफन कहानी की भाषा शैली पर प्रकाश डालना है, अथवा पूछा गया था इसी का पर्दा कहानी का सारांश संक्षेप में लिखिए, पर्दा कहानी का सारांश संक्षेप में लिखिए। हमारा सेकंड पेज भी कंप्लीट हो गया, यहाँ पे हम जल्दी बिना कुछ देरी के यहाँ पे हम तीसरा पेज पे आ गया। तीसरा पेज क्या कह रहा है, चीफ की दावत कहानी की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए, चीफ की दावत अथवा करके पूछा गया है मलबे का मालिक कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। देखो मलबे का कहानी का जो उद्देश्य है, क्या उद्देश्य था उस कहानी को लिखने का, उसका मेन उद्देश्य आपको शो करना है, बताना है। ध्यान रहे 150 से 200 शब्दों के बीच देना है आपको उत्तर, एक नंबर है ना, तो जितना पूछा गया उतना उत्तर दोगे तो उसके हिसाब से आपको नंबर मिलेगा। अगर आप कम दे दे तो एक लाइन में दो लाइन में निपटा दे तो वैसे में आपको नंबर कटेगा, ठीक है। तो जितना पूछा गया जितने शब्दों में पूछा गया उसी को आपको उत्तर देना है, जितने शब्दों में पूछा गया उतना ही लॉन्ग उतना ही शॉर्ट आपको बना के लिखना है। जो चौथा प्रश्न पूछ रहा है शिवानी के व्यक्तित्व तथा व्यक्तित्व का परिचय दीजिए।
अथवा करके पूछा गया है उपेंद्र अश्क की कहानी कला पर प्रकाश डालिए। बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, ठीक है दोस्तों। ऊपर उसके अंदर जो पांचवा है, उपन्यास और कहानी के अंतर को स्पष्ट कीजिए। उपन्यास और कहानी दोनों में क्या अंतर है? उपन्यास और कहानी, कहानी और उपन्यास, ठीक है, समझ रहे हो ना? तो उसमें आपको लिखना कि दोनों में क्या अंतर है। अथवा करके पूछा गया है हिंदी कहानी में जयशंकर प्रसाद के योगदान पर टिप्पणी लिखना है। खंड स पूछा गया है, यहाँ पे खंड स में क्या आया हो, तो वहां पे आपको देख लेना है। खंड स में निम्नांकित दे दे उत्तरी प्रश्नों के लगभग 300 से 350 शब्दों के बीच आपको उत्तर लिखना है। उसके बाद जो यहाँ पे जो पहला प्रश्न आता है खंड स का, गद्यांशों की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। इसमें आपको एक प्रश्न, यहाँ पे दो प्रश्न पूछे गए हैं 8 नंबर, यानी कि 16 नंबर के, 8 नंबर के दो प्रश्न पूछे गए हैं। दो प्रश्न मतलब कि 16 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, इसको भी देख लेना, आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे तीसरा पेज हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है जो भी है, गहनों का मरज न जाने इंद्र, इसको आपको संदर्भ प्रसंग सहित यहाँ पे व्याख्या आपको करना है। क्या पूछा गया यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। ये देखो यहाँ पे गद्यांशों की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना पूछा गया है ना, बता रहा हूँ। उसके बाद में यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका अथवा, अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पे आपको अथवा भी पूछा गया है, अथवा बना लेना अगर आपको नहीं पता। नीचे चलते हैं खंड ख, इसको भी आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। दोनों संदर्भ प्रसंग व्याख्या 8 नंबर का आता है हमेशा, चाहे एक पूछे था जो पूछे, 5 तक का भी पूछ सकते हैं, यहाँ पे 5 ठो भी पूछ सकता है ना दोस्तों। तो एक नंबर एक जो होता है वो 5 नंबर से ज्यादा का आता है, मतलब 6 7 8 नंबर का पूछ सकते हैं हम। यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज पे आ गए। अथवा का किसी का पूछा गया आपको नहीं पता तो ऑप्शन में रहता है, बना सकते हो। निम्नांकित निबंधनात्मक प्रश्नों के उत्तर 350 शब्दों में, या फिर आप यहाँ पे आपको 350 शब्दों में लिखना है। क्या पूछा गया? उपन्यास के तत्वों के आधार पर गबन उपन्यास की समीक्षा कीजिए। उपन्यासों के तत्वों के आधार पर गबन उपन्यास की समीक्षा करना है, समझ रहे हो? तो उसके बाद में जो पूछा गया नीचे आ जाता है, गबन उपन्यास में निम्न मध्य वर्ग की सामाजिक आर्थिक स्थितियों की व्यंजना की गई है। कैसे व्यंजना की गई स्पष्ट भी करना है आपको। कफन कहानी की कथा वस्तु का विश्लेषण कीजिए, यह भी पूछ सकता है। कफन कहानी, गबन कहानी, ऐसा सब बहुत जल्द जितना भी कहानी है सबको, उसका क्या बताया गया है, किस क्या उद्देश्य है उस कहानी का, सब कुछ आपको देख लेना है। ये फिर जो लास्ट खबर आ जाता है, इसमें पूछा गया है अथवा करके पूछा गया है, चीफ की दावत कहानी के आधार पर रमा श्यामनाथ का चरित्र चित्रण। चीफ कहानी की दावत आप पढ़े होंगे, तो कहानी के आधार पर श्यामनाथ का चरित्र चित्रण करना कि किस प्रकार का उनका चरित्र था, क्या था। उसके बाद में जो लास्ट पेज यहाँ पे बच गया है ग प्रश्न है ना, जो यहाँ पे ग्रह ग पूछा गया है ग, तो हिंदी उपन्यास के उद्भव एवं विकास पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। अथवा करके पूछा गया आपको नहीं पता तो बना सकते हैं, प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी पर प्रकाश डालिए। लेकिन ये अथवा तभी काम करेगा जब आप पेपर में बैठेंगे, मतलब कि ये 2022 में आया था ना अथवा करके, तो इनके साथ जो जरूरी नहीं कि जिनके साथ जो अथवा दिया गया उनके साथ वही अथवा आएगा 2023 में, लेकिन क्या है किसको बदल दिया जाता है, पैटर्न को बदल दिया जाता है, प्रश्न वही रहते हैं, नंबर आगे पीछे कर देते हैं, बस यही रहता है, ज्यादा कुछ नहीं रहता। तो आई होप कि दोस्तों वीडियो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा होगा, बहुत ज्यादा पसंद आया। तो वीडियो को पसंद है तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पर आना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड दोस्तों के साथ में उन दोस्तों का भी अपना हेल्प करना जो आपके साथ स्टडी करते हैं, उनको पता नहीं किन किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको ये वीडियो शेयर कर दो।